गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 104 में एक्सरसाइज 7.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो ठीक है मैं बता रही हूँ, बाकी जो बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क है। ए डी जी बी ई एच मैं बताऊंगी, सी एफ आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं इन्हें हम कैसे ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर है 2.0। क्वेश्चन क्या है आपका, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 2 + 1.7 है। ठीक है, इन्हें ऐड करना, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। 2 को 2 लिखेंगे, इसके डेसिमल नहीं दिया तो डेसिमल लगा के 0 लिखेंगे, फिर प्लस 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 7। याद रखिएगा डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन से लिखना है आपको। 0 में 7 प्लस करेंगे 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो आ गया कितना 3.7। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आ जाइए इसके बी नंबर में। बी नंबर का क्वेश्चन है 99.99 + 1.001। ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, तो डेसिमल डेसिमल यहाँ 99.99, यहाँ कितना 1.001, 1.001, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये बराबर करना है आपको। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में होनी चाहिए। तो यहाँ 3 थी तो हमने भी यहाँ 3 कर दी, यहाँ नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है तो इसको यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ एक कम था तो हमने 0 ऐड कर दिया। ठीक, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 1, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 1 10 की 0, कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10, तो आ गया 100.991। समझ में आया आपको बी नंबर। नेक्स्ट आ जाइए अब आप सी नंबर में, सी नहीं डी नंबर में। इसके डी नंबर का देखिए क्वेश्चन है आपका 192.341 + 652.56। क्या है क्वेश्चन, 192.341 + 652.56। देखिए सबसे पहले फिर से वही करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 192.341, बिल्कुल एक के नीचे एक डिजिट लिखिएगा। ठीक है, फिर 652 डेसिमल 56 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे, 0, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 होनी चाहिए। ठीक, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए, अब प्लस करेंगे, 1 + 0 1, 6 + 4 10 की 0, कैरी ओवर 1, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 9 + 5 14 की 4, कैरी ओवर 1, 6 + 2 8। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, 844.901 आया आंसर। इसका आया था 3.7, इसका आया था 100.991। ठीक है, तो ए बी डी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए ई नंबर में। देखिए ई नंबर का क्वेश्चन है आपका 4 + 0.7 + 0.279। 4 + 0.7 + 0.279 है, तो देखिए 4 में तो डेसिमल नहीं लगा है तो हम अपने आप डेसिमल लगाएंगे, 4 point। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, मतलब सब जितनी तीनों नंबर्स दी हैं उनको डेसिमल के बाद 3 डिजिट हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे। ठीक है, 0.7 तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले 0 है, डेसिमल के बाद 7, तो ये लगा लिखेंगे। ठीक, फिर ये देखिए 0.279 इनको लिख देंगे, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 और 0 ऐड करेंगे। ठीक, डेसिमल के नीचे सबसे पहले डेसिमल लगा दीजिएगा, अब इन्हें ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 9 9, 0 + 0 0, 0 + 7 7, 0 + 7 7, 7 + 2 9, और 0 + 0 ही होगा, और 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो आ गया 4.979, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ई नंबर तक हो गया। नेक्स्ट देखिए एफ जी नंबर। देखिए इसके बाद देखिए जी नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका,
357.47 प्लस 42.9 प्लस 103.468। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, 357.47 प्लस 42.9 प्लस 103.468। देखिए यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐसे लगा लेंगे। पहले नंबर क्या है 357.47, दूसरी है 42.9, थर्ड है 103.468। प्लस करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इनको सबको एक जैसा बनाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे बाकी उनको वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट ऐड करेंगे, 0 ही ऐड करेंगे, उसके अलावा कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, इनको प्लस करेंगे, 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 में 8 प्लस करेंगे 8, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 6 13 के 3 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 1 5, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 की 8 कैरी ओवर 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 की 3 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 की 0 कैरी ओवर 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो देखिए कितना आ गया 503.838। ठीक है, जी नंबर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए अब आप एच नंबर में। एच नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, 1002.12 प्लस 109.1 प्लस 34.965। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 1002.12 प्लस 109.1 34.965। अब इन सबको ऐड करना है, चलिए हम ऐड यहाँ में कर रही हूँ बगल में, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा एक लाइन कम पड़ जाएगी। ठीक है, ये यहीं पे कर देते हैं, आ जाएगा। देखिए डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1002.12 फिर 109.1 फिर 34.965 ऐड करेंगे। ठीक, 1002.12 109.1 34.965। देखिए सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो इनको भी वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ 10 ऐड करेंगे, यहाँ पे 20 ऐड करेंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 2 11 की 1 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3, 9 में 3 12, 12 में 4 16 की 6 कैरी आई 1, 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 1 1 और 1 का 1। तो कितना आगे देखिए 1146.185। एच नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है। इसके जो 2 बच रहे हैं, 6 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क हैं, इन्हें आप घर में अच्छे से कर लीजिएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा जब भी हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और यहाँ पे डेसिमल के बाद पहले नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट्स होनी चाहिए प्लस में। ठीक है, इस एडिशन कंप्लीट हो गया इसका, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।